में जो कुछ हुआ है जब एक जमात अपने की शहादत पर उसकी मैयत में जाने से डर रही हो मजहबी शिद्दत पसंदी की वजह से, ऐसे मौके पर MQM वाहिद आवाज थी ऐवानों में सड़कों पे मुल्क से बाहर जो पाकिस्तान की मजहबी अकलियतों के लिए आवाज उठा रही थी। MQM ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि आज जो हिंदू कम्युनिटी यहाँ बैठी है वो तजब्बुब का शिकार हो MQM के बारे में फैसला करने। आज हमारे और आपके दरमियान ये रिश्ता, ये ताल्लुक, आज का ये राबता बड़ा अहम भी हो सकता है। हो सकता है आपके वोट इस दफा कम से कम पाकिस्तान के चंद बड़े शहरों, कराची को, सिंध के चंद शहरों इस तब्दीली का आगाज कर दें, जहां पर आप पेशावर सियासतदानों, जागीरदारों, पैसे के नाम पर सियासत करने वालों के बजाय उन लोगों को वोट दें जो अपना इलेक्शन खुद नहीं लड़ सकते। आपने हिंदू कम्युनिटी के किस लोएस्ट मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन ऐवानों में भेजी है? हमने तो एक आम सीट पे खवातीन की, माइनॉरिटी की सीट पे भी नहीं, मंगला शर्मा को भेजकर अपनी तरफ से आपको यकीनदानी की आखिरी हद को क्रॉस किया। मैं मंगला शर्मा को मॉडल समझता हूं हम सब के लिए कि जिस क्लास से निकलकर और जिस जुर्रत के साथ ऐवानों में पहुंची है, ना खानदान पीछे था, ना वसाइल पीछे थे, ना आसानियां पीछे थी। और हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हमने इसी क्लास की एक लड़की को, स्ट्रगल करती हुई लड़की को, उसकी सलाहियतों की बुनियाद पर ऐवान में भेजा है और अकलियत की सीट पे नहीं, अक्सरियत की सीट पे। हम आपसे ताउन के लिए आपके वोट के मोहताज नहीं, आप हमें वोट देंगे या नहीं देंगे अगर हम जहां जहां पर आपकी पासबानी, आपकी हिफाजत और आपके हुकूक की हिफाजत, अगर आप इस शहरों में और जिन शहरों में हम बसते हैं वहां रहते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन जनाब अली, कई सवालात लेके आप जरूर जाएं। ये बता रही थी मंगला के यहाँ पे ज्यादातर लोग अंदरूने सिंध के हैं, यहाँ MQM की राबता कमेटी जो आगे बैठी इनमें से भी आधी टीम जो है वो अंदरूने सिंध की है। मैं खुद अनीस भाई, ये मंकी साहब बैठे हैं, इवन रोब सिद्दीकी, शबीर खान खान, इस वक्त सरियत राबता कमेटी की भी वो है जिसका ताल्लुक अंदरूने सिंध से। हम उन सारे दुखों से भी वाकिफ हैं, उन तमाम मिजाजों से भी वाकिफ हैं। तो हम ये समझते हैं कि हमने अपने लिए एक मुश्किल रास्ता इख्तियार किया है। पाकिस्तान में सियासत करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जो मुरवज्जा सियासत है, जो 70-75 साल सियासत हो रही है, फ्यूडल सियासत है, पैसे की बुनियाद पर सियासत है, हम उसके रंग में रंग जाते तो आज वफादारी क्या है? दहशतगर्दी के निजामों पर आना ही नहीं था क्योंकि हम निजाम दुश्मन है, आवाम दुश्मन है। एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान में पिछले सेनेट के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक सेनेटर की कीमत बढ़ते 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 75 करोड़ तक पहुंचे, एक MLA ने अपने लिए 75 करोड़ में वो सीट खरीदी।
ایم کیو ایم اس وقت تاریخ کے سب سے معاشی طور پہ بھی فائنینشیلی بھی سب سے مشکل دور سے گزر رہی ہے. ہمارے پاس بھی 200% یقین کے ساتھ سیٹیں موجود ہیں. ہم نے خواتین کی سیٹ ڈبل ایم اے کی بھی ایک اسکول ٹیچر کو دی.